नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, मार्केट जब बुलिश होता है तो बहुत से नए लोग भी शेयर मार्केट में इंटर करते हैं, और जैसे ही उनके पैसे ऊपर ग्रोथ करने लगता है तो वो लोग काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी ढेर ज़्यादा मात्रा में पैसे इंक्लूड करते हैं मार्केट में। और जब मार्केट करेक्ट हो लेने लगता है तो ऐसे ही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो कभी मार्केट क्रैश देखे नहीं रहते हैं और पहली बार ऐसा होता है तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। तो दोस्तों, ये मार्केट है शेयर मार्केट, अभी हाल ही में बहुत बड़ा क्रैश आया था, आपने देखा होगा मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के नीचे चला गया था, लेकिन उसके बाद मार्केट खाली 4 और 6 महीनों में इतनी तेज़ी से रिकवर किया कि जैसे वी शेप रिकवरी हुई, मार्केट ऐसे गिरा और ऐसे डायरेक्टली उसके भी ऊपर चला गया, यानी जहाँ पे मार्केट था उसके ऊपर इस टाइम ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों, ये मार्केट है, यहाँ पे उतार चढ़ाव चले रहते हैं, लेकिन आपको डिप्रेशन पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। मार्केट गिरे तो ख़रीदारी करिए, मार्केट ऊपर जाए तो अपना प्रॉफिट बुकिंग करिए, तभी पैसे बनने हैं। आपको कोई टेंशन या परेशानी पैनिक लेकर नहीं इस मार्केट में काम करना है। तो ऐसे कुछ स्टॉक की हम बात करेंगे, कुछ पैनिक शेयर जिसमें इंक्लूड होंगे तो कुछ हमारे ब्लू चिप स्टॉक भी इंक्लूड होंगे जो कि इस टाइम काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसमें भी आप अपना स्टेक बना सकते हैं। और मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो आप नॉलेज बेस पे ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं। तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है पिडिलाइट। आज इस शेयर में देखेंगे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अगर आज की बात करें तो 6.15% की ग्रोथ दिखाया है, लगभग 100 पॉइंट की, काफ़ी अच्छी बात है। और आज इसने 1700 का इनका जो काफ़ी अहम रजिस्टेंस था उसको तोड़कर ये शेयर काफ़ी ऊपर चला गया, उसी के साथ साथ ये अपना 52 वीक हाई भी नया लगा चुका है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस शेयर का कुछ डिटेल देख लेते हैं। 52 वीक हाई की बात करें, 1742.95 रुपये जो कि आज इसने लगाया, आज आप देखेंगे आज के हाल के हाई के बराबर है। अगर 52 वीक लो की बात करते हैं तो 1185.55 रुपये जो कि 25 मार्च यानी जब मार्केट क्रैश हो रहा था तो उस टाइम बनाया था। डिलीवरी की बात कर लेते हैं तो 20% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि डिलीवरी कम उठाई गई है, लेकिन उस हिसाब से ट्रेडिंग का ज़्यादा हुआ है। अगर क्वांटिटी बेस पे बात कर लेते हैं तो 14 लाख से ज़्यादा की क्वांटिटी उठाई गई है डिलीवरी बेस में, अच्छी बात है। तो चलिए चार्ट पर डिटेल देख लेते हैं, चार्ट क्या कहता है। तो दोस्तों, चार्ट पर डिटेल देखें तो 1700 का जो लेवल था इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यानी काफ़ी बड़ा रजिस्टेंस था, उस लेवल को तोड़कर काफ़ी अच्छी तरीके से ये शेयर उसके काफ़ी ऊपर आ चुका है, यानी 1729 रुपये पर चल रहा है। तो दोस्तों, अगर इनके नेक्स्ट लेवल की बात किया जाए तो 1760 का पहला लेवल होगा और उसके बाद 1800 का लेवल कहीं नहीं गया है इस शेयर के लिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये जो लेवल बता रहा हूँ ये कल के कल ही आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि शेयर मार्केट है, कल को हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो, क्योंकि आप देखेंगे आज वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा जनरेट हुआ, यानी बहुत लोगों ने बाइंग किया, तो हो सकता है कल को कुछ लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी करें, कोई घबराने वाली बात नहीं। आप अगर अच्छे शेयर क्वालिटी बेस्ड शेयर पर उठाते हैं तो आपको निश्चिंत होकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इनका ऐसा भी बहुत से प्रोडक्ट हैं जो कि मोनोपोली भी क्रिएट करते हैं, चाहे आप फेविक्विक ले लीजिए, चाहे आप फेविकोल ले लीजिए, तो आराम से इस शेयर में आप इन्वेस्ट करके बड़े आराम से लॉन्ग टर्म तक के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस शेयर में। वहीं MSCI देखेंगे तो MSCI काफ़ी बुलिश हो रहा है, यानी कि ये शेयर अब फिर से भागना स्टार्ट कर दिया है, तो इस शेयर में आप इन्वेस्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है एस्ट्रल पॉली। दोस्तों, ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और इसको मल्टी बैगर कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका रिटर्न अगर पोर्टफोलियो देखेंगे काफ़ी कमाल का रिटर्न रहा है। 52 वीक हाई की बात कर लेते हैं, 1593.30 रुपये का है जो कि 18 नवंबर 2020 में बना था। अगर बात कर लेते हैं इसके 52 वीक लो की तो 745.65 रुपये, यानी कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है इसके 52 वीक लो और हाई में। 23 मार्च को इसने अपना बनाया था 745 रुपये का, और इस टाइम ये शेयर चल रहा है उसके जस्ट दुगने के बराबर, यानी 1500 पे आ चुका है ये शेयर, तो नॉट बैड। मार्च से अभी तक अगर कोई आपको मिड कैप स्टॉक पैसे दुगने कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर से ज़रूर उसमें आप इन्वेस्टेड हो सकते हैं। आज की बात करें तो लगभग 2.5% तक इस ये आज ग्रोथ दिखा रहा है। तो अगर चलिए बात कर लेते हैं इसकी क्वांटिटी डिलीवरी बेस पे, तो 75% तक डिलीवरी उठाई गई है, 1,60,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी डिलीवरी बेस पे उठाई गई है, यानी लोग काफ़ी बुलिश हैं इस स्टॉक को लेकर, तो आप भी इसमें इन्वेस्टेड हो सकते हैं। और दोस्तों, ये वो स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग टर्म में आप अगर रखते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये शेयर्स बहुत ही क्वालिटी बेस पे हैं, तो इसमें आपके कैपिटल की सेफ्टी पूरी बनी रहती है। तो चलिए इस स्टॉक के स्टॉक बात कर लेते हैं,
तो आप दो तो ये देखेंगे कि ये अपने 5 दिनों के ईएमए के आसपास ट्रेड हो रहा है, यानी 5 दिनों के ईएमए के इन्हीं स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए बड़े आराम से आप रख सकते हैं। अगर एमएसडी की बात करें तो इसमें अभी भी थोड़ा करेक्शन दिखा रहा है, तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी गिरावट आए, और अगर गिरावट आती है 1380 तक आ सकता है ये शेयर, उसके बाद आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू बाइंग मिल जाएगी, बड़े आराम से इस शेयर को खरीद सकते हैं। तो ये अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों उसकी बात करें तो वो है बिरला टायर। ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया ये जब भाग रहा था, और शायद एक हफ्ते के अंदर ही इसने 100% तक का रिटर्न दे दिया था। उसके बाद ये शेयर वहाँ से करेक्ट हुआ, और जिस दिन करेक्शन होना था उसके एक दिन पहले शाम को मैंने वीडियो बना के आपको बता दिया था कि इसमें आप अपने प्रॉफिट को सेव कर लीजिए। उसके नेक्स्ट डे ही ये शेयर अपना 5% का अपर सर्किट लगाया, उसके बाद उसी दिन 5% का लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया, यानी लोग इसमें अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगे, और कुछ बड़े इन्वेस्टर ने भी प्रॉफिट बुकिंग किया है। 52 वीक हाई की बात करें तो 53.10 रुपये है, जो कि 3 जुलाई 2020 को बना था। 52 वीक लो की बात करें तो 30 मार्च को बना था 2.70 रुपये, यानी कि आप देख सकते हैं दोनों के बीच कितना ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि पैसे को कई गुना किया हुआ है। तो शेयर तो अच्छा ही, अगर डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 99.81%, यानी लगभग 100% तक डिलीवरी उठाई गई है, कमाल की बात है। 1 लाख से ज़्यादा, यानी कि एक 30 रुपये वाले शेयर वो जो कि पैनी शेयर है, यानी कि लोअर सर्किट पे चल रहा है, उसके बावजूद इतना ज़्यादा क्वांटिटी बेस पे उठाया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इनके चार्ट पे कुछ डिटेल देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल आप देखेंगे। लास्ट टाइम ये जो शेयर जब भाग रहा था तो उसके बाद उसमें जब करेक्शन आया तो ये आ गया, जो इनका RSI है वो आ चुका था 30-40 पे, यानी 40-45 के आसपास आके रुका था। उसके बाद से वहाँ से नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया था, और इस टाइम ये शेयर हमारा चल रहा है 64 के RSI पे। तो क्या इसमें अभी भी गिरावट कंटिन्यू रह सकती है? तो हाँ बिल्कुल, अभी ये शेयर 30 रुपये के आसपास तक जा सकता है, जो कि इनका 13 दिनों का EMA है 31.87 रुपये, और ये शेयर वहाँ तक जाएगा। अगर वहाँ पे भी नहीं संभलेगा, यानी अपने 13 दिनों के EMA पे सपोर्ट नहीं लेगा, तो इसमें फिर तब भारी गिरावट आएगा, और ये 25 रुपये के नीचे भी जा सकता है, यानी फिर से ये अपने उसी लेवल पे चला जाएगा जहाँ से उठा था, 20-22 रुपये से उठना स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद लेकिन इधर आप देखेंगे इसमें जो ये ख़रीदारी हुई है, ये लोग भी अभी माल बेच के निकले नहीं है, यानी इसका मतलब है कि ये लोग भी बुलिस हैं, और ये लोग भी सोच रहे हैं कि अभी भी इसमें तेज़ी फिर से बनेगा, तो आप भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि और वैसे भी लोअर सर्किट लग रहा है तो कोई बेच भी नहीं पा रहा, तो जैसे मार्केट एक बार नॉर्मल होगा तो ये फिर से लोअर सर्किट लगेगा, क्योंकि जो लोग फंसे हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे, तो उस बात के लिए हमेशा तैयार रहिए। और पैनी शेयर है तो पैनी शेयर में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप रिस्क तो ले ही रहे हैं, तो थोड़े बने रहिए रिस्क के साथ, ज़रूर से ज़रूर पैसे बनेंगे अगर ये शेयर फिर से भागता है तो। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है UPL लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करें तो 52 वीक हाई देखते हैं तो 614.90 रुपये का है, जो कि 9 जनवरी 2020 में बना था। अगर 52 वीक लो की बात करें तो 240.15 रुपये का है 23 मार्च को, यानी जिस दिन मार्केट क्रैश हुआ था। अगर आज के डिटेल की बात करें तो 1.14% की ग्रोथ दिखा रहा है आज, 460.60 रुपये पे मिल रहा है। अगर डिलीवरी की बात करें तो 37% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी बहुत ज़्यादा डिलीवरी नहीं उठाई गई है, बहुत ज़्यादा लोग बुलिश नहीं हैं। लेकिन चलिए डिटेल बात कर लेते हैं, तो अगर इनके नेक्स्ट लेवल की बात करें तो नेक्स्ट लेवल 470 रुपये का इनका रेजिस्टेंस है। अगर 470 का लेवल टूटेगा तो ये शेयर फिर से 500 की तरफ भागेगा, और जल्दी ही 500 का लेवल इस शेयर में देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये इनके लिए 470 का जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो देखते हैं तोड़ पाता कि नहीं। अगर तोड़ पाता है तो फिर 500 के लिए आप इस शेयर में इन्वेस्टेड हो सकते हैं। MACD भी बुलिश चल रहा है तो ये शेयर भागेगा। तो नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है CG पावर। अगर इस शेयर की बात करें तो 52 वीक हाई देखेंगे तो 52.50 रुपये का है, 7 दिसंबर को बना था। अगर वहीं नेक्स्ट इनके 52 वीक लो की देखते हैं, 4.75 रुपये, 13 मार्च को बना था। डिलीवरी की बात करें तो 66.1418% की डिलीवरी उठाई गई है। अगर इस शेयर की बात करें तो ये अभी थोड़ा करेक्ट हो रहा है, इस टाइम 42 रुपये पे चल रहा है। तो अगर नेक्स्ट, और ये शेयर दोस्तों अपने 20 दिनों के EMA के आसपास, यानी 41.94 रुपये है, और ये 42 रुपये पे चल रहा है। अगर वहाँ सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक करता है तो 45.50 रुपये का दूसरा इनका टारगेट हो रहेगा। अगर वहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है तो ये शेयर फिर 36-35 के लेवल तक गिरेगा, और MACD जो दिखा रहा है तो इसमें अभी भी करेक्शन स्टार्ट हुआ है, यानी ये शेयर 35-32 तक आराम से आ सकता है अगर ये मार्केट क्रैश होता है तो, यानी ये शेयर क्रैश होता है तो। तो दोस्तों
अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं कोई स्टॉक एनालाइज करके बताऊं तो आप वो स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।